जहां नजर दौड़ाओ वहां बर्फ ही बर्फ। सड़कों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर, बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे खिले। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बर्फबारी का दौर जारी है। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों से भारी बर्फबारी हो रही है, जिस वजह से पहाड़ से लेकर सड़कें बर्फ की सफेद चादर से ढक गई हैं। पेड़ की टहनियों और पत्तियों पर बर्फ जम गई। जहां तक नजर दौड़ाए सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखी। मनाली के आसपास के इलाकों में हुई ताजा बर्फबारी के बाद पर्यटकों ने भी वहां का रुख किया और जमकर मस्ती की। मनाली में बहुत मजा आ रहा है। उधर हिमाचल प्रदेश के लाहौर स्पीति में भी पिछले कई दिनों से भारी बर्फबारी हो रही है, जिस वजह से पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों की जिंदगी जमसी गई। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। पहाड़ों पर बर्फीली सुबह ने मौसम को सर्द कर दिया। जहां तक नजर गई वहां सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आई। हालांकि बर्फबारी यहां रहने वाले लोगों के लिए मुसीबत बनी है। तापमान में गिरावट और शीतलहर के चलते प्रशासन ने लोगों से घरों के बाहर निकलने से मना किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 19, 20 और 23 से 26 जनवरी तक भारी बर्फबारी की आशंका है। लोगों से पहाड़ के ऊपरी इलाकों में नहीं जाने की अपील की है। शिमला में बर्फबारी का अलर्ट, पिछले कई दिनों से भारी बर्फबारी, मौसम विभाग का बर्फबारी का अलर्ट। इस बीच शिमला में मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद जिला प्रशासन भी सतर्क हो गया है। पिछले कई दिनों से हो रही बर्फबारी की वजह से सड़कों पर बर्फ जम गई है, जिसे मशीन की मदद से हटाया जा रहा है। ये फोरकास्ट उन्होंने हमें दिया है, तो वैसे ही हमने जो है संबंधित विभागों को अलर्ट कर दिया। पिछले दिनों इतनी ज्यादा बर्फबारी की वजह से आसपास के कुछ इलाकों का संपर्क कट गया और उन इलाकों में रहने वालों की परेशानी बढ़ गई। 22 जनवरी से शिमला शहर के साथ ऊपरी क्षेत्रों में भी भारी बर्फबारी की संभावना जताई है। ऐसे में बर्फबारी से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। सभी विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। हालांकि मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए लोगों की मुसीबत कुछ और दिन कम होने नहीं वाली है। कर्नाटक और महाराष्ट्र के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोनों राज्यों को करीब 50,000 करोड़ की सौगात। शाम 5 बजे मुंबई में मेट्रो की नई लाइनों का उद्घाटन। कुश्ती संघ पर पहलवानों के आरोप के बाद एक्शन में खेल मंत्रालय। भारतीय कुश्ती संघ को नोटिस भेजकर 72 घंटों में मांगा जवाब। लखनऊ में होने वाले महिला प्रशिक्षण शिविर भी किया गया रद्द। उत्तर प्रदेश के मदरसों में मॉडर्न शिक्षा की मंजूरी, यूनिफॉर्म में। एनसीईआरटी की किताबें पढ़ेंगे अब मदरसों के बच्चे। एनसीपीसीआर की गैर मुस्लिम बच्चों की जांच की सिफारिश खारिज।